एवरीवन, द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, कैसे हो? वी हैड ऑलरेडी स्टडीड द लाइन बाय लाइन डिस्क्रिप्शन ऑफ द चैप्टर द फन दे हैड, एंड आगे हम लोग अब उसको और आगे बढ़ाते हैं उस चैप्टर को। ये हम लोगों का तीसरा लेक्चर होगा। ही वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड अ होल बॉक्स ऑफ टूल विद डायल्स एंड वायर्स। वी वे आर स्टडिंग अबाउट मार्गी एंड टॉमी हु हैड गॉट अ बुक एंड दे वे आर डिस्कसिंग अबाउट दैट एंड ऑल्सो अबाउट द टीचर, द मैकेनिकल टीचर विथ हुम दे यूज टू स्टडी, विच वॉज देयर स्कूल। सो देयर मैकेनिकल टीचर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, सो मार्गीज मॉम हैड कॉल्ड द काउंटी इंस्पेक्टर टू मेंड दैट मैकेनिकल टीचर। सो दैट पर्सन वॉज अ राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल। मतलब वो आदमी जो था ना, एक नाटा सा मोटा सा आदमी था और उसका चेहरा गोल, और फिर वो वायर्स और डायल्स वाला जो बैग था वो साथ लेकर के आया। ही स्माइल्ड एट मार्गी एंड गेव हर एन एप्पल। वो मार्गी पर मुस्कुराता है थोड़ा सा, उसको देख करके उसको एक सेब देता है। एंड देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद जो उसका मैकेनिकल टीचर है उसको एक तरफ लेके रख देता है। मार्गी हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पुट इट टुगेदर अगेन। मार्गी को ऐसी ऐसा वो उम्मीद कर रही थी कि उसको पता नहीं था कि कैसे फिर वापस उसको ऐसा एक साथ रखेंगे। मतलब हो सकता है कि उसके कंप्यूटर के टीचर को खोल दिया गया रहा उसका पार्ट पार्ट। बट ही न्यू हाउ ऑल राइट, एंड आफ्टर एन आवर और सो देयर इट वॉज अगेन लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद अ बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड द क्वेश्चन वर आस्क्ड। एक घंटे के अंदर में ही काउंटी इंस्पेक्टर ने बना दिया उसके टीचर को, उसके मैकेनिकल टीचर को, और फिर से वहाँ पे लाके सेट कर दिया। फिर से वही काला अगली सा बदसूरत सा चेहरा उसका, बड़ा सा स्क्रीन जिस पे लेसन्स दिए हुए थे, जिस पर क्वेश्चंस जो है ना लिखे हुए थे, वो सब के सब दिखने लगे उसको। दैट वॉजेंट सो बैड। लेकिन ये उतना ख़राब नहीं था। ख़राब क्या था उसके लिए? द पार्ट मार्गी हेटेड मोस्ट वॉज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। जो जो पार्ट इसको सबसे ख़राब लगता था वो था उस कंप्यूटर टीचर का स्लॉट, यानी ये खांचा जहाँ पे उसको होमवर्क लगाना पड़ता था। स्लॉट मीन्स खांचा होता है, उसको होमवर्क जहाँ पे रखना पड़ता था वो उसको सबसे ख़राब लगता था। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन अ पंच कोड दे मेड हर लर्न वेन शी वॉज 6 ईयर्स ओल्ड। वो जब वो 6 साल की थी ना, तब से उसको एक पंच कोड में उसको लिख करके वो होमवर्क उसको लगाना पड़ता था स्लॉट में, वो उसे बहुत ख़राब लगता था। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जब भी वो होमवर्क लगाती उसको कंप्यूटर टीचर टाइम भी नहीं लगता था, उसको कैलकुलेट करके देता था। द इंस्पेक्टर हैड स्माइल्ड आफ्टर ही वॉज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गीज हेड। इंस्पेक्टर जो था काउंटी इंस्पेक्टर, वो मुस्कुराता है और फिर सर थपथपाता है मार्गी का फिर से एक बार जब वो काम पूरा कर लेता है। तो ही सेड टू हर मदर इट्स नॉट द लिटिल गर्ल्स फॉल्ट। और वो माँ को, मार्गी के माँ को कहता है कि ये लिटिल गर्ल का फॉल्ट नहीं था बल्कि कंप्यूटर का फॉल्ट था। क्या फॉल्ट था उसका? मिसेस जोन्स, मिसेस जोन्स इन द नेम ऑफ मार्गीज मदर। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मेरे ख्याल है कि ज्योग्राफी सेक्टर जो है ना, इसका ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो थोड़ा सा तेज हो गया था, यानी ज़्यादा फास्ट हो गया था, ज़्यादा उम्र के बच्चे के लायक हो गया था, इसीलिए इसको बराबर नहीं आ पा रहा था, इसलिए गलत कर रही थी ये होमवर्क हमेशा। आई हैव स्लॉड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर्स लेवल। मैंने इसको स्लो कर दिया है, अब 10 साल के उम्र के बराबर कर दिया है, अब नो प्रॉब्लम। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री। और जो इस लड़की का, जो मार्गी का जो है ना, ओवरऑल जो प्रोग्रेस है वो काफ़ी संतोषप्रद है, सही है, अच्छा है। एंड ही पैटेड मार्गीज हेड अगेन। और वो फिर से मार्गी के सर को थपथपाता है। मार्गी वॉज डिसअपॉइंटेड। शी हैड बिन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। वो सोचती है, वो उम्मीद लगाती है कि इसके कंप्यूटर टीचर को ले जाया जाता, जिस तरह से टॉमी के कंप्यूटर टीचर एक बार ख़राब हो गया था तो उसको 1 महीने तक ले गए थे, उसका हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक हो गया था। तो इसको भी उम्मीद थी कि इसका भी कंप्यूटर टीचर लेके चला जाता तो इसको आराम होता 1 महीने तक। सो शी सेड टॉमी व्हाई वुड एनीवन राइट अबाउट स्कूल। फिर वो उसके बाद
कहती है टॉमी को कि कोई भी आदमी क्यों लिखता है स्कूल के बारे में कुछ भी। टॉमी लुक्ड एट हर विद अ वेरी सुपीरियर आइज, बड़ी सुपीरियर अंदाज में उसकी वैसे अंदाज में उसकी तरफ देखता है। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, वो कहता है बेवकूफ़ क्योंकि ये हम लोगों के जैसा स्कूल नहीं था, हम लोगों के टाइप का स्कूल नहीं हुआ करता, पहले के टाइप का स्कूल अलग था, इसीलिए वो लोग बुक लिखते हैं स्कूल के बारे में। ही एडेड लॉफ्टली, वो और ज़्यादा जो है ना सुपेरियर अंदाज में ऐड करता है, क्या ऐड करता है, दिस इज़ द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर एगो, ये पुराने टाइप का स्कूल है जिसको सैकड़ों सैकड़ों साल पहले था हमारे दुनिया में। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली सेंचुरीज एगो, और एक और वर्ड इसको थोड़ा और घमंड के अंदाज में, थोड़ा बड़ेपन के अंदाज में कहता है कि शताब्दी पहले ऐसा हुआ करता था। मार्गी वाज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, उसके बाद थोड़ा सा वो दुखी हो जाती है, कहते हैं मुझे नहीं पता कि किस टाइप का स्कूल वो लोग पहले था उन लोगों का। शी रेड द बुक ओवर हिज शोल्डर फॉर अ वाइल देन सेड एनीवे दे हैड अ टीचर, उसके बाद उसके कंधे पे थोड़ा सा झुक करके वो कुछ बुक को पढ़ती है और फिर कहती है कि अच्छा बहरहाल ये बताओ क्या उन लोगों के पास कोई टीचर हुआ करता था। तब उसको टॉमी बताता है कि श्योर दे हैड अ टीचर बट इट वॉजंट अ रेगुलर टीचर, इट वॉज अ मैन, कहता बिल्कुल उनके पास टीचर हुआ करता है लेकिन वो टीचर रेगुलर टीचर नहीं हुआ करता था, बस एक इंसान हुआ करता था और एक इंसान उन लोगों को पढ़ाता था। ए मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, कहता एक आदमी कैसे एक आदमी एक टीचर हो सकता है, उसको थोड़ा आश्चर्य होता है। वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स, हाँ वो कहता है कि वेल ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क देम क्वेश्चंस, वो बताता है कि बस वो लड़कों को पढ़ाता था, क्वेश्चन देता था, आंसर करता था उसको बच्चे, और फिर उसके बाद उसका चेक करता था, ऐसे पढ़ाई होती थी उस जमाने में। ये आज के लिए इतना हम लोग रखते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे आगे इसका जो भी बचा हुआ पार्ट है, और कुछ जो है ना टफ वर्ड्स है वो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में दिखाता हूँ, आप लोग उसको देखेंगे।